यो व्हाट्सअप गाइस, हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो ब्लैक पैंथर टीयर 4 रेडी है हमारा विद सीटीपी ऑफ रेज। यस, ये रेज मैंने कहाँ से दिया है पता है? मैंने स्पाइडर गोयन का रेज निकाला है पूरे के पूरे 600 क्रिस्टल में, क्योंकि हमें अभी चेक करना है कम्बेट हीरो एबीएक्स में कितना स्कोर करेगा ब्लैक पैंथर विद टीयर 4 एंड जीबीआर में कितना अच्छा है। तो गाइज इसीलिए मैंने रेज दिया है पूरे 600 क्रिस्टल देके। तो कम से कम यार लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर लो। चलो ठीक है, फटाफट से देख लेते हैं एबीएक्स में कितना स्कोर करता है विद कम्बेट हीरो वाले टीम के साथ में। यस, आज नो रिस्ट्रिक्शन है, मतलब कोई भी कैरेक्टर लगा सकते हैं हम लीडरशिप एंड सपोर्ट में, बट मैंने यहाँ पे स्पेशली लगाया है सिप को एंड वेलकरी को, क्योंकि वो कम्बेट हीरो है। ठीक है, तो कम्बेट हीरो में ही हमको ब्लैक पैंथर को यूज करना है। लेट्स गो गाइस, यहाँ पे देख लेते हैं पहले इसका स्कोर, उसके बाद में चलते हैं जीबीआर में और देखेंगे जीबीआर में कितना अच्छा है इसका परफॉर्मेंस। हाँ, मतलब इस अकाउंट का कार्ड भी मैं आपको दिखाऊंगा, उसके बाद में ही आप जज करना, ठीक है, अच्छा है बुरा है कैसा है। तो यस गाइज, यहाँ पे देख सकते हो काफ़ी तगड़ा स्कोर कर रहा है। और हाँ, एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि सेकेंड स्किल पूरा यूज़ मत करना लाइक, ठीक है, जैसे ही आपका थर्ड स्किल रेडी हो फटाक से यूज़ कर लेना, क्योंकि प्रॉग गड़बड़ कर देता है वो, बहुत लंबा स्किल है और उस पर प्रॉग आ जाता है। ठीक है, अगर स्पेशली आप एनर्जी के साथ में खेल रहे हो या फिर डिस्ट्रैक्शन के साथ में खेल रहे हो तो थोड़ा दिक्कत हो सकता है, बाकी रेज के साथ में खेल रहे हो तब भी प्रॉक आ जाएगा रेज का, अगर आप कैंसिल नहीं करोगे सेकेंड स्किल। तो यस गाइस, कुछ इस तरह से आपको खेलना है लाइक, यहाँ पे आप देख सकते हो फोर स्किल को चलने दो, लास्ट में भी फोर स्किल के डैमेज है काफ़ी अच्छा वाला, तो फोर स्किल का लास्ट तक चलने दो, बाकी सेकेंड स्किल का कैंसिल कर लेना। ओके, यहाँ पे 4 सेकंड का कूल डाउन है, पता नहीं ये रूअर कैंसिल हो पाएगा या नहीं, और ये हो गया। ठीक है, नाइस ठीक है, हो गया। यहाँ पे प्रोक हमारा शायद गड़बड़ हो सकता है, नहीं हुआ। ठीक है, नाइस, नहीं हुआ। ओके, थर्ड स्किल रेडी हो जा एंड ठीक है। ओके, 3-5-4, नाइस, 1-2-3 रेडी हो जा, 3 रेडी हो 3-5-4-6, मतलब 7 भी किया है साथ में भाई बोल नहीं पा रहे, इतना फास्ट इसका स्किल रोटेशन करना पड़ रहा है। ठीक है, प्रॉक, ओ माय गॉड, गलत टाइम पे हमने कर दिया है यहाँ पे। ठीक है, इसको हमको कैंसिल करना पड़ेगा वेलकरी से। माई गॉड भाई साहब, ये मतलब क्या बताऊँ यार, मैं गलत टाइम पे इसका मैंने यूज़ कर लिया था स्किल फोर जिसमें इसका रोड कैंसिल वाला था, तो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, बट कोई नहीं, फिर से वापस आ गए हैं हम। 3 स्किल यूज हो गया एंड 5-4 एंड 10 मिलियन का स्कोर हो चुका है गाइस लगभग। एंड यस, एक रोटेशन और होगा, उसके बाद में ये फिर से जाएगा रोअर में, हो जाएगा ना। ओ माय गॉड, फिर से 5 सेकंड का। ओके, हो गया, नाइस, कैंसिल हो गया, मुझे लगा नहीं होगा यार, मैं तो डर ही रहा था एकदम से। ओके, नाइस, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, वापस आ गए हैं ट्रैक पे लगभग। एंड 3-5-4 और ये हो गया 11 मिलियन, नाइस, यस, एंड 6 और 11.2। ओके, तो गाइज यहाँ पे देख सकते हो 11.3 मिलियन हुआ है, जबकि पिछला रिकॉर्ड आप यहाँ पे देख सकते हो 11.63 मिलियन हुआ है। यस, ब्लैक पैंथर इसी सेम टीम के साथ में हुआ है, बट क्या हुआ ना कि मैंने, देखो मैं ओबीएस में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, स्टार्ट रिकॉर्डिंग किया ही नहीं भाई, बोलता चला गया, बाद में देखा भाई स्टार्ट रिकॉर्डिंग है ही नहीं, कट गया था भाई मेरा, मतलब क्या ही बताओ, कब से मैं मेहनत कर रहा था फोकट का बर्बाद हो गया, मतलब जीबीआर भी कर लिया था एबीएक्स भी कर लिया था। चलो फटाफट से अब जीबीआर देख लेते हैं, मतलब मुझे लगा भाई हो गया, वीडियो कंप्लीट हो गया, 15 मिनट से मैं रिकॉर्ड करके, मतलब 15 मिनट लिटरली मैंने वेस्ट कर दिया। चलो फटाफट से यहाँ पे देख लेते हैं आदत नहीं है ना भाई ओबीएस से रिकॉर्ड करने का। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ पे देख लेते हैं ब्लैक पैंथर कितना जल्दी इसको 5 बार पे लेके जाता है। यस, पूरा कंप्लीट नहीं करेंगे, हो सकता है कल फिर कोई काम आ जाए, मतलब कोई ज़रूरत पड़ जाए ब्लैक पैंथर का। तो लेट्स गो गाइस, देखते हैं इसका डैमेज कैसा है, अभी कार्ड भी दिखाऊंगा आपको, फिर डिसाइड करना। ठीक है, कार्ड तो मैंने दिखाया ही नहीं अभी।
एंड यस ओके। और हाँ, जो लोग बोल रहे थे ना सर्वाइबिलिटी ये फाइव स्किल में दिक्कत ऐसा वैसा, भाई एक चीज बताऊं, फाइव स्किल में दिक्कत नहीं है यार, इसका क्या है ना कि रेंज का थोड़ा सा दिक्कत है। मतलब अब दूर होके बॉस को मारोगे तो कैसे काम करेगा, फाइव स्किल काम नहीं करेगा। वैसे थोड़ा नजदीक जाके मारोगे तो काम करेगा, अच्छे से चलेगा, स्टॉक नहीं होगा, मतलब अटकेगा नहीं फाइव स्किल। कुछ लोग बोल रहे थे भाई अटक जा रहा है, मेरा कमेंट आया था, तो अटकेगा नहीं अगर आप थोड़ा नजदीक जाके मारोगे, ठीक है। बाकी रही बात सर्वाइबिलिटी की, तो भाई टीयर फोर कर लो फिर देखो मजा सर्वाइबिलिटी का, मतलब 45% का रिकवरी मून नाइट लेवल का। हाँ मून नाइट लेवल नहीं बोलूंगा, मतलब वैसा ही लगभग सर्वाइबिलिटी मिलेगा आपको टीयर फोर कर लोगे तो। इसके स्किल में भी रिकवरी है 45% की टीयर फोर स्किल में, बट ऐसा एक साथ मिल जाता है, ठीक है। मून नाइट का ऐसा थोड़ा थोड़ा करके मिलता है जब तक वो चांद बना रहता है लेकिन इसका क्या है तुरंत मिल जाता है 45% का। तो हाँ रिकवरी भी है बहुत अच्छी है, टीयर फोर कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, सर्वाइबिलिटी में कोई इशू नहीं आएगा। और यस गाइस यहाँ पे देख सकते हो 1 मिनट 10 सेकंड, 1 मिनट 10 सेकंड में इसने कर दिया फर्स्ट फेज। हाँ मतलब सोलो कर रहा हूँ बट कोई नहीं, मेरे पास थैनोस है टीयर फोर पे, मेरे पास ब्लैक बोल्ट है टीयर फोर पे, और उनसे मुझे लगता है लगभग 5 मिनट सोलो पे, ठीक है। अभी देखते हैं ब्लैक पैंथर कितना टाइम लेगा। ओके सेकेंड फेज में मेन इसका वो रहता है, और गाइज यहाँ पे देख सकते हो सेकेंड फेज का डैमेज, क्योंकि सेकेंड फेज में पियर्स मैटर करता है, सेकेंड फेज में रेज मैटर करता है, बहुत कुछ फैक्टर रहते हैं सेकेंड फेज में। फर्स्ट फेज में तो चलो कोई भी कैरेक्टर से किसी भी सीटीपी से कर लोगे और कितना भी पियर्स रहेगा तो हो जाएगा। एंड यस गाइस यहाँ पे मरना मत ब्लैक पैंथर, अभी तेरी तारीफ कर रहा था मैं ठीक है नहीं मरा। अभी देखो जैसे ही मैं टीयर फोर स्किल यूज करूंगा ना इसका एचपी बूम एकदम से बढ़ जाएगा, अभी तुम देखना भाई टीयर फोर स्किल यूज करने से पहले ये मर ही ना जाए, ठीक है नहीं मरेगा। ये देखो फुल हो गया, मैक्स हो गया एचपी, ठीक है। मतलब 40-45% का टीयर फोर से मिला और 20% का इसके कौन से स्किल में है, फोर में है या फाइव में है, मतलब 65% का रिकवरी मिल गया भाई, तुरंत फुल हो गया एचपी। ऐसा रिकवरी की दिक्कत नहीं होगी अगर आप इसको टीयर फोर कर लोगे। बाकी डैमेज देखो गाइस डैमेज कैसा है इसका, एंड ये देखो टीयर थ्री के साथ में भाई प्रॉक मिस हो गया मेरा, ठीक है। रॉक टीयर थ्री पे फुल नहीं आया था यार, ओके कोई बात नहीं, रॉक ही नहीं है भाई, व्हाट क्या चल रहा है अभी आ रहा रॉक फालतू में बिना स्किल के चल क्या रहा है भाई ये। 3-5 एंड यस ठीक है आया रॉक, नाइस ओके 3-5-4 ठीक है 20 बार पे जाएगा क्या, नहीं जाएगा ठीक है अभी जाएगा, टीयर फोर यूज करूंगा तब। देखो ये सेकंड स्किल इतना लंबा है कि प्रोक आ जाता है भाई, ओ माय गॉड। टीयर फोर यूज तो कर लिया मैंने बट ठीक है कोई बात नहीं, 18 बार पे आ गया ये ओके। ब्लैक पैंथर इधर आ जा। तो गाइज आप यहाँ पे देख सकते हो 6 मिनट 33 सेकंड और ये आ गया 17 बार पे। अगर मैं देखूं अपने अकाउंट में कंपेरिजन करके तो भाई मैं बता रहा हूँ कि ब्लैक बोल्ट लेवल का डैमेज दे रहा है ये, लाइक थैनोस लेवल का डैमेज दे रहा है। हाँ मतलब देखो आज स्पीड टाइप का हेडर मांगू तो थोड़ा सा एडवांटेज भी है, ठीक है थोड़ा सा एडवांटेज है इसको, बट भाई डैमेज बहुत खतरनाक है यार, एकदम ब्लैक बोल्ट लेवल का। मैंने क्या बोला था 5 मिनट लगता है ब्लैक बोल्ट से या फिर थैनोस से, और लगता है मुझे ये भी 5 मिनट में कर ही लेगा। ओके एंड यहाँ पे स्विच कर लेता हूँ नहीं तो मर जाएगा। पहले मैंने टीयर फोर स्किल यूज कर लिया था, तो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हो इसका डैमेज काफ़ी सॉलिड लग रहा है मुझे, काफ़ी अच्छा लग रहा है। चलो मैं यहाँ पे डिस्कनेक्ट कर देता हूँ, हालांकि मैंने बोला था 5 बार पे लेके चलेंगे, चलो ठीक है 5 बार पे लेके चलते हैं ओके ठीक है। अच्छा भाई एकदम से एग्रेसिव होके खेल रहा हूँ भाई, मैं एकदम से मतलब कोई भी ऐसा रुकने उकने का चांस नहीं है और ऐसा टेंशन वाली बात नहीं है मरने वरने का। हाँ मतलब थोड़ा सा है खतरा बट टीयर फोर जब तक जिंदा है, मतलब टीयर फोर के जब तक सहारा है तब तक आप आराम से खेल सकते हो बिंदास होके। अभी देखो टीयर फोर यूज़ करूँगा और ये चला जाएगा 5 बार पे, आई होप सो ओके लेट्स गो 5 बार पे चला जाना भाई, 5 मिनट की बात है
ओके आ गया गाइस। तो देखो यहाँ पे 5 मिनट में 5 बार पे आ गया है। तो यस गाइस, डैमेज आपने इसका देख लिया। अब चलो मैं आपको दिखाता हूँ मेन चीज जो कि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर है, और वो है कार्ड। और ये है इसका कार्ड, इस अकाउंट का 50% का ऑल अटैक, 20% का फिजिकल अटैक एंड 13% का पियर्स। ओनली 13% और 70%, ओनली 70% ऑफ अटैक। मुझे बहुत इंप्रेसिव लगा, मैं टीयर फोर करके खुश हूं। एंड आई होप आप भी दुखी नहीं होगे इसको टीयर फोर करके। अगर आपका प्लान है टीयर फोर करने का, अगर आपके पास मून नाइट नहीं है टीयर फोर पे और आप इसको टीयर फोर करके इससे खेलना चाहते हो, तो यस डेफिनेटली आप इसको टीयर फोर कर सकते हो फॉर ABX, फॉर GBR, फॉर वर्ल्ड बॉस लेजेंड। हाँ, अगर आपको स्पेशली GBR में यूज करना है तो CTP ऑफ रेज दे देना, और स्पेशली अगर आपको ABX एंड वर्ल्ड बॉस लेजेंड में यूज करना है तो फिर एनर्जी या फिर माइटी डिस्ट्रक्शन भी लगा सकते हो अगर आपके पास में रेज नहीं है तो। तो बस गाइज, इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ब्लैक पैंथर कैसा है। मेरे हिसाब से सॉलिड है, बाकी आप देख लो आपको क्या करना है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।